हेलो, मैं हूँ किरण। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बच्चों को घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल और कुछ बाजार से डेकोरेटिव चीज़ों के द्वारा कैसे राखी बनाना सिखाना है। आज मैं आपको एक एक करके इन राखियों को कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊँगी। बच्चों को हम एक और तरीके से राखी बनाना सिखा सकते हैं। इसमें हमने ग्लू लिया है, कैंची लिया है, एक छोटा सा चार्ट पेपर लिया है, ये डोरी जो हमने नॉटिंग करी थी वो ली है, एक ग्लिटर पेपर जो डिज़ाइन वाले आते हैं वो लिए हैं, और एक गोल्डन पेपर, और इस तरह से ये बनी हुई आती हैं, ये कार्टून करेक्टर्स आते हैं, और ये ग्लिटर पेपर का ये भी एक शेप बने हुए आते हैं, जैसे ये दे रखा है। इस तरीके के शेप्स आते हैं बाजार में, हम कोई भी शेप अपना यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्लिटर पेपर को सर्कल करके काट लिया है और इसके ऊपर हम ये गोल्डन पेपर की जो कटिंग करके रखी है इसको हम लगाएंगे। ऐसे करके इसके ऊपर ये शेप का हमने जो बने बनाए शेप भी आते हैं इसके अंदर इस तरह के स्पार्कल शीट्स में वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके और उसके ऊपर ये एक कार्टून करेक्टर लिया और पीछे हमने ये भी बने हुए आते हैं रुई वगैरह ये सब ऐसे इसके बीच में और फिर इसको सूखने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको अच्छा सा प्रेस कर लेंगे और फिर इसको हम पलट कर जैसे हमने पहले डोरी चिपकाई थी अब ये नॉटिंग वाली डोरी है, ये अपने पसंद के ऊपर है कि हम कौन से कलर की लगा रहे हैं। इसको भी हम ग्लू लगा के चिपका देंगे। इसके ऊपर हम लोग ये ब्लू कलर का शीट है ये भी काट रखा था। इसको धीरे से पलट देंगे ऐसे। ये देखिए कितना सुंदर राखी बन गया। अब हम एक और तरीके की राखी बनाना सिखाएंगे। इसमें हमने जो तीन कलर की डोरियों से जो नॉटिंग बनाई थी उसको लेंगे, एक गोल्डन पेपर लेंगे और ये स्पार्कल शीट सिल्वर कलर की, और ये जो बने बनाए जो शीट्स कटिंग शीट्स आते हैं ये भी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, और ये हमारा एक कार्टून करेक्टर से। बच्चों को कार्टून वाली जो राखियाँ होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसलिए हमने ज़्यादातर कोशिश करी कि कार्टून वाले करेक्टर्स की ही राखी यूज़ करें। तो हम इसको पहले एक सर्कल काट लेंगे और इसकी साइड की कटिंग कर लेंगे जैसे हमने पहले बताया था, इसको चार फोल्ड करके और फिर इसके ऊपर हम लोग ग्लू लगा लेंगे। ऐसे ग्लू डाल के ये स्पार्कल शीट है इसको भी हम चिपका लेंगे, और इसके बाद ये कटिंग की हुई जो शीट्स आती हैं ये भी बाजार में आसानी से मिल जाता है, और इसको भी हम लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे करके। और ये रख कार्टून और इसको इसके ऊपर ऐसे करके, और फिर इसको सूखने देंगे थोड़ी देर के बाद। इसको हम वापस पलट देंगे और ये जो नॉटिंग की हुई जो डोरी थी ना इसके ऊपर हम ग्लू लगा लेंगे और इसको लेकर ऐसे चिपका देंगे। फिर ये वाली शीट है इस पर भी ग्लू लगा लेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये खुले ना, और इसके पीछे ऐसे करके और धीरे से इसको प्रेस करते हुए उठा देंगे। देखिए कितनी सुंदर राखी बन गई।
हम एक और तरीके से बच्चों को राख बनाना सिखा सकते हैं। जैसे ये गोल्डन पेपर लिया, इसके चारों तरफ से हम कटिंग कर लेंगे, सर्कल करके इस तरीके से बीच बीच में कटिंग कर लेंगे इसको। ये मैंने पहले से ही कटिंग करके रख लिया, और इसके बीच में हम रेड रंग के ग्लिटर पेपर लगाएंगे ऐसे करके। ऐसे करके चिपका देंगे, और ये भी कई तरह के शेप के आते हैं इस तरह से, और कई रंगों के आते हैं। मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर का ये वाला शेप लिया है, ये भी ग्लिटर पेपर की कटिंग वाले आते हैं शीट्स उसमें से, और यहाँ मैंने इसको लगा दिया इस तरह से, और इसके पीछे पहले डोरी को चिपका दिया ऐसे करके, फिर इसके ऊपर ये पेपर, एक पतली सी चार्ट पेपर काट रखा था मैंने, इसको चिपका दिया ताकि ये निकले ना। और देखिए ये भी ऐसे भी रखी, इतनी सुंदर लग रही है बिल्कुल सिंपल तरीके से। हम बच्चों को एक और तरीके की राखी बनाना सिखा सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट शेप लेंगे, जैसे कि हमने थोड़ा सा बड़ा शेप लिया है ये गोल्डन कलर का, और इसकी कटिंग हमने साइड से कर ली है। उसके बाद एक सिल्वर कलर लेंगे, और एक ग्रीन कलर का ग्लेस पेपर लेंगे, फिर एक स्पार्कल शीट इसकी, और एक स्पार्कल शीट, और ये स्टार। तो सबसे पहले, और एक ग्लिटर पेपर हमने ये ब्राउन कलर का भी काट लिया है। अब सब हम एक दूसरे के ऊपर इसको चिपकाएंगे। सबसे पहले ये गोल्डन शीट लेंगे, इसके ऊपर हम सिल्वर पेपर चिपकाएंगे ऐसे करके, इसके ऊपर हम ये ग्लिटर पेपर चिपकाएंगे, ये वाला, ये ग्लिटर शीट जो आती है, इसको हमने फ्लावर की शेप में काट लिया है ऐसे करके। इसके ऊपर हम लोग एक ग्लेस पेपर चिपकाएंगे ग्रीन कलर का, ये अपने ऊपर आप कोई भी ग्लेस पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक के ऊपर एक चिपकाते जाइए, आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा ऐसे करने से। और उसके ऊपर फिर हमने एक और ग्लेस पेपर, ग्लिटर पेपर चिपकाया है पर्पल कलर का, और इसके ऊपर एक और चिपकाया है हमने ऑरेंज कलर का ग्लिटर पेपर, और एक स्टार लगा दिया इसके ऊपर, और इसको अच्छी तरह से दबा दिया। इसके पीछे लगा देंगे ये वाला जो ब्रेस इसका, इसको 5 मिनट छोड़कर इसको पहले डोरी लगाएंगे, उसके बाद ये चिपका देंगे। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।